तो भाई जैसे कि आप सबको पता है कि फ्लिपकार्ट पे कुछ ही दिनों में बिग बिलियन डे सेल शुरू होने वाली है और बहुत से लोग इस सेल का वेट करते हैं आईफोन बाय करने के लिए, क्योंकि इस सेल में हमें बहुत ही बड़ा प्राइस ड्रॉप देखने को मिल जाता है ओल्ड आईफोन्स के ऊपर। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन 11 की कि क्या आपको आईफोन 11 इस बिग बिलियन डे सेल में परचेज करना चाहिए या फिर नहीं, और बात करेंगे इस प्राइस की कि सेल में हमें आईफोन 11 का क्या प्राइस रेंज देखने को मिलेगा। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो जो आईफोन 11 का डिज़ाइन है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एंड क्लासी लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा हैंडी भी है, क्योंकि जो आईफोन 11 की जो साइड क्रोम है वो मिलती है हमें कर्वी डिज़ाइन के साथ एंड जो इसका बैक पैनल मिलता है वो मिलता है हमें ग्लोसी फिनिश के साथ। सो अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो जो भाई आईफोन 11 है उसमें मिल जाता है हमें एप्पल की तरफ से A13 बायोनिक चिप, जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर तो मैं नहीं बोलूंगा, बट जो आईफोन 11 की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है एंड इसको यूज़ करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट साथ ही मैं आपको बता दें कि जो आईफोन 11 है वो एक 4G फोन है, सो इसमें आपको 5G का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। सो ये एक मेजर ड्रॉबैक बन सकता है कि इस सेल में आप आईफोन 11 को परचेज ना करने का, ये एक मेन रीजन बन सकता है। सो अब बात कर लेते हैं इसके कैमरास की। तो नो डाउट भाई आईफोन जो अपनी कैमरा क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं एंड आईफोन 11 की कैमरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। डिटेल कैमरा रिव्यू के ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए आपको बता दें कि जो आईफोन 11 है उसकी बैक साइड पे हमें मिल जाते हैं 12 मेगापिक्सल के 2 कैमरा। फर्स्ट वन इज वाइड एंगल कैमरा, यानी कि जो हमारा मेन कैमरा होता है वो आता है 26mm के साथ एंड जो सेकंड कैमरा है दैट इज अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो आता है 13mm के साथ। सब कुछ फोटोज एंड वीडियोस के सैंपल आपको दिखाते हैं जो आईफोन 11 से शूट किए हैं, जिनको देख के आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सो भाई ये जो वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आईफोन 11 के मेन कैमरा से शूट की है, यानी कि जो हमारा वाइड एंगल कैमरा होता है उससे शूट की गई है। फ्रेम रेट 4K 60fps एंड जो ऑडियो वो भी इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड की गई है, कोई एक्सटर्नल माइक इसमें यूज़ नहीं किया, तो आप ऑडियो की क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं। एंड ये जो वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आईफोन 11 के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से शूट की गई है एंड जो ऑडियो है वो भी इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड किया गया है एंड फ्रेम रेट वही 4K 60fps है। सो फाइनली भाई अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो जो आईफोन 11 का प्राइस है वो इस सेल में हमें देखने को मिल सकता है 25 से लेके 30,000 तक की रेंज में, और अगर इस प्राइस रेंज में ये आईफोन हमें देखने को मिल जाता है तो हम डेफिनेटली बाय करने का सोच सकते हैं आईफोन 11 को। बाकी चॉइस इज यूर एंड ये था मेरा ओपिनियन आईफोन 11 के रिगार्डिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो